My name is Dr. Hamad Ayaz, and we are discussing the medicine paper of 17 September 2019, MCQ number 16 to 30. Now, splitting of the second heart sound is enhanced by. अब normally आपको ये पता होना चाहिए कि physiologically क्या हो रहा है कि second heart sound split हो रही है. This is right atrium, this is right ventricle, and this is left atrium. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब होता क्या है, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर या नेगेटिव चेस्ट कैविटी में प्रेशर होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. जब सांस अंदर लेना होता है तो चेस्ट कैविटी में नेगेटिव प्रेशर होता है. उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से वीनस रिटर्न राइट एट्रियम में ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा वीनस रिटर्न होने की वजह से राइट वेंट्रिकल में भी ज्यादा ब्लड आएगा, और राइट वेंट्रिकल को उस ब्लड आगे पंप करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो पल्मोनरी वॉल्व लेट क्लोज होगा एज कंपेयर टू एओर्टिक वॉल्व से. अब दूसरा, साथ साथ इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जब लंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उनमें ब्लड की कैपेसिटी रखने की ज्यादा हो जाती है, ब्लड लंग्स में ज्यादा रहता है एज कंपेयर के वो हार्ट में आए, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वॉल्यूम इन इंस्पिरेशन एज कंपेयर टू राइट साइड ऑफ द हार्ट कम हो जाएगा, तो वो ब्लड ज्यादा इजिली निकलेगा यहाँ से और aortic valve as compared to pulmonary जल्दी close होगा. लेकिन ये जो splitting of second heart sound enhance हो रही है, ये pulmonary valve के delayed closure की वजह से है, क्योंकि negative intra chest जो pressure है उसकी वजह से venous return ज़्यादा हो रहा है. उस venous return को आगे pump करने की वजह से pulmonary valve delayed close हो रहा है. तो it is not the early closure of the aortic valve, it is not the delayed closure of aortic valve, it is not the early closure of the pulmonary valve, it is the delayed closure of pulmonary valve, because जो venous return ज्यादा हुआ है उसको बाहर फेंकने के लिए ज्यादा time लगता है, तो pulmonary valve देर से close होगा. ठीक है. Now, veins keep more volume of blood in them, veins have less compliance, veins are less elastic, veins have more compliance. अब compliance क्या है, कंप्लायंस किसी भी वेसल की उस एबिलिटी को कहते हैं कि जिसकी वजह से वो ज्यादा ब्लड अपने अंदर स्टोर कर लेती है बगैर ब्लड प्रेशर को चेंज किए. अब वेन जहरी बात है आर्टरी से लेस इलास्टिक है, इसी वजह से उनमें ना कोई प्रेशर है और इसी वजह से उनकी कंप्लायंस ज्यादा है, और यही उनकी एबिलिटी जो है उनको ब्लड ज्यादा अपने अंदर स्टोर करने में मदद देती है. सो वेन्स हैव मोर कंप्लायंस इज अ बेटर आंसर देन वेन्स आर लेस इलास्टिक. सो बिकॉज ऑफ मोर कंप्लायंस वेन्स अपने अंदर ज्यादा ब्लड रख सकती हैं. ठीक है, पहला वाला ऑप्शन तो है ही गलत ना, कि वेन्स की कंप्लायंस लेस है, वेन्स की कंप्लायंस ज्यादा है. और कंप्लायंस किसको कहते हैं, एबिलिटी उस वेसल की, उस इतनी एबिलिटी कि वो अपने अंदर ब्लड रख सके बगैर प्रेशर को चेंज किए. अब स्टोन इन द पैरोटिड ग्लैंड डक्ट विल कॉज, अब ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक ग्लैंड है उसका डक्ट है उसमें स्टोन फंस गया है, अब जब भी वो ग्लैंड अपनी सीक्रेशंस बनाएगा वो आगे नहीं जा सकेंगी बल्कि बैक प्रेशर होगा, उस बैक प्रेशर की वजह से ग्लैंड की जो फिजियोलॉजी है वो डिसरप्ट हो जाएगी और वो ग्लैंड अपने साइज में छोटा होने लग जाएगा. जब उस साइज में छोटा हो जाएगा तो उसकी एट्रोफी हो जाएगी, जिसको हम एट्रोफी बोलते हैं. ठीक है, अब है तो ये ठीक एट्रोफी हो रही है और कुछ जगह पे नेक्रोसिस भी हो रही होगी, लेकिन ये एट्रोफी का प्रोसेस जो है ना ये एपोप्टोसिस की वजह से हो रहा है. ठीक है, दिस एपोप्टोसिस विल लीड टू एट्रोफी. सो बेसिकली हैं ही आंसर्स ठीक, लेकिन इनमें से सबसे बेहतर एपोप्टोसिस है, क्योंकि मेन जो सबसे छोटे लेवल पे जाके जो प्रोसेस हो रहा है वो तो एपोप्टोसिस है. सेल्स जो अपने आप को किल कर रहे हैं वो एपोप्टोसिस की वजह से कर रहे हैं, और जब वो सेल्स किल हो रहे हैं उसकी वजह से एट्रोफी हो रही है, ग्लैंड का साइज छोटा हो रहा है. ठीक है, वुमेन हैविंग इंक्रीज्ड एपिटाइट इंक्रीज थर्स्ट एंड नेबर्स कंप्लेन ऑफ हर स्ट्रेंज बिहेवियर. देखें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी एपिटाइट इंक्रीज हो गई है. अब देखें थैलेमस का कोई एपिटाइट से ताल्लुक है, सिंगुलेट गायरस का, पिच्यूटरी का, इसमें से जिस चीज का एपिटाइट से ताल्लुक है ना वो हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस का वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है वो आपकी थर्स्ट, वो आपका एपिटाइट, वो आपकी हंगर, वो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, वो आपकी एंगर को कंट्रोल कर रहा है. और जब भी ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा वो आपकी भूख को खत्म कर देगा. अब अगर इस वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस पे लीजन हो गई है, ये खराब हो गया है, तो
तो वो भूख को खत्म नहीं कर सकेगा, तो भूख ज्यादा लगती रहेगी। इस वजह से जो इंक्रीज एपिटाइट है उसमें वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है। आर्टरी बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, गैस्ट्रो ड्यूओडेनल आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और राइट हेपेटिक आर्टरी। देखिए, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है तो डायग्राम के बगैर आपको समझ नहीं आएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, ठीक है, और इसके पीछे से जो आर्टरी जा रही है दैट इज गैस्ट्रो ड्यूओडेनल आर्टरी, ठीक है, ये देखें। सो गैस्ट्रो ड्यूओडेनल आर्टरी इज द करेक्ट आंसर। फ्लेक्सर एट हिप एंड नी ज्वाइंट। अब देखें आंसर्स में हमारे पास है सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस और सेमी टेंडनोसिस। सेमी टेंडनोसिस तो थाई के पिछली तरफ है, ठीक है, और सेमी टेंडनोसिस का जो फंक्शन है ना वो क्या है, नी को फ्लेक्स करना, वो पकड़ के यहां से इसको पीछे खींचेगा, नी फ्लेक्स हो जाएगी। इसी तरह थाई को भी वो इधर से पकड़ के पीछे की तरफ खींचेगा तो थाई एक्सटेंड हो जाएगी। तो एडक्टर लॉन्गस का फंक्शन है थाई को एक्सटेंड करना पीछे की तरफ खींच के, क्योंकि वो पीछे है ना, तो थाई को एक्सटेंड कर रहा है और नी को फ्लेक्स कर रहा है। जबकि सर्टोरियस ये वाला मसल है, सर्टोरियस क्या कर रहा है, ये यहां से नी को पीछे, ये जाके पीछे की तरफ नी के अटैच होता है, ठीक है। अब ये यहां से जब इसको खींचेगा तो ये नी को फ्लेक्स कर देगा, ठीक है, पीछे की तरफ खींचेगा, नी फ्लेक्स हो जाएगी। इसी तरह ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये यहां से थाई को ऊपर की तरफ खींचेगा तो थाई भी फ्लेक्स हो जाएगी। सो सर्टोरियस जो है ना वो थाई पे भी फ्लेक्शन करा रहा है इधर से इसको ऊपर खींच के, और नी पे भी फ्लेक्शन करा रहा है इधर से उसको पीछे खींच के। जबकि सेमी टेंडनोसिस पीछे लगा हुआ है और ये इधर से इसको पीछे खींचता है, थाई को क्या करा देगा, एक्सटेंड, और नी को फ्लेक्स। तो सर्टोरियस जो के टेलर्स मसल या चौकड़ी मारने वाला मसल है जो कि दोनों जगह पे फ्लेक्शन करा रहा है, ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एक ही फंक्शन दोनों जगह पे जो कराता है ना वो एफ एस है। फ्लेक्सर एट हिप एंड नी जॉइंट, सर्टोरियस, ये रहा आपका सर्टोरियस। नाउ रिंग इन द आई, रेज्ड लिवर एंजाइम, बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब देखिए रिंग इन द आई, रेज्ड लिवर एंजाइम, क्या आता है आपके जहन में, विल्सन डिजीज, ठीक है, विल्सन डिजीज जिसमें कॉपर ज्यादा हो रहा है। अब वो पूछ क्या रहा है, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो अगर तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपसे बेस्ट पूछेंगे ना तो दैट इज सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल, ठीक है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि सिर्फ सिर्फ ये पूछते हैं कि बेस्ट टेस्ट इज, ठीक है, या आपसे ये पूछते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, बेस्ट टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, तो वो हमारे पास है लिवर बायोप्सी। लेकिन अगर डायग्नोस्टिक का लफ्ज आ गया है तो दैट इज नॉट द लिवर बायोप्सी, जो इनिशियल हमारा टेस्ट है वो सीरम सेरुलोप्लाज्मिन है। तो हमने जब भी हमारे पास विल्सन डिजीज, कीसर फ्लिशर रिंग्स इन द आईज, ठीक है, और रेज्ड लिवर एंजाइम्स आते हैं, पहले तो हमने ये डायग्नोज करना है कि विल्सन डिजीज है, फिर ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर तो वो बेस्ट डायग्नोस्टिक पूछ रहा है तो वो हमारे पास सीरम सेलुलोप्लाज्मिन है। अगर वो सिर्फ पूछ रहा है विच इज द बेस्ट टेस्ट तो वो लिवर बायोप्सी है। अगर वो पूछ रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है तो वो भी हमारे पास लिवर बायोप्सी है। इसी तरह अगर वो पूछता है द मोस्ट यूजफुल टेस्ट, ठीक है, तो जो मोस्ट यूजफुल है ना वो भी हमारे पास लिवर बायोप्सी है, ठीक हो गया। अब ये आपने ध्यान में रखना है। माइलिनेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स स्टार्ट्स इन, अब माइलिनेशन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अगर सिंपल वो नर्व फाइबर की बात करता है ना तो वो माइलिनेशन जो हो रही है ना वो स्टार्ट हो रही है 4 मंथ्स में, ठीक है। और अगर वो कहता है कि क्रेनियल नर्व्स की कब माइलिनेशन स्टार्ट हो रही है, वो आपकी हो रही है 6 मंथ्स पे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि नर्व फाइबर, माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर पूछ सकता है, माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन्स पूछ सकता है, वो आपकी हो रही है 4th मंथ पे। और जो आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, वो आपकी हो रही है 6 मंथ पे। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। टीबी लीजन स्पेसिफिसिटी, अब टीबी की लीजन में देखें एपिथिलॉइड सेल्स भी हमारे पास हैं और केसियस निक्रोसिस भी है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है ना, अगर तो दोनों आ रहा है तो वो हम चूज करेंगे, एपिथिलॉइड सेल्स
प्लस केशियस नेक्रोसिस। लेकिन अगर हमारे पास एपिथेलॉइड सेल्स या केशियस नेक्रोसिस में से ए और बी दोनों नहीं है और इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, ठीक है, अगर हमने एक चूज करना है तो वी विल प्रेफर केशियस नेक्रोसिस ओवर एपिथेलॉइड सेल, ठीक है। सबसे पहला हमारी जो चॉइस है वो बोथ है, अगर ये मौजूद नहीं है बोथ का ऑप्शन तो फिर केशियस नेक्रोसिस इज प्रेफर्ड ओवर द एपिथेलॉइड सेल। दिस एमसीक्यूज हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड बाय अहमद भाई इन डिटेल, तो इस वजह से मैं इसको जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं। नाउ प्रेगनेंसी एंटीकॉगुलेंट, ऑरल हेपरिन, वॉरफरिन और आईवी हेपरिन, ठीक। अब हेपरिन जो होता है वो आईवी फॉर्म में है, ठीक है, और वॉरफरिन जो है ना ये ओरल फॉर्म जो है ना इसकी टेराटोजेनिक है, ब्लड बेबी सिंड्रोम है, ठीक है, वो इससे हो जाता है, तो ये टेराटोजेनिक है। तो प्रेगनेंसी में हमने आईवी हेपरिन, ठीक है, वो देना है। अगर हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आ जाता है तो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई विल प्रेफर द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ओवर द आईवी हेपरिन, ठीक है। फाइन मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, सेरिबेलम एंड कॉर्टेक्स। अब ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा एमसीक्यूज है और बड़ा घुमा फिरा के आता है। अब फाइन मूवमेंट्स जो है ना हमारी वो कंट्रोल होती है सेरिबेलम से, ठीक है, लेकिन अगर सेरिबेलम ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट है ना वो हमारे पास आ जाता है सेरिब्रम, ठीक है, और अगर सेरिब्रम भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमारे पास आ जाता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। तो फाइन मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, अगर सेरिबेलम ऑप्शन में नहीं है तो सेरिब्रम, अगर सेरिब्रम भी ऑप्शन में नहीं है तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब अगर वो पूछता है कि एग्जीक्यूशन में कौन सी चीज हेल्प करती है मूवमेंट्स के, तो उसका ऑर्डर है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, जैसे कि पियानो प्ले करने में, ठीक है, ये भी आ जाता है कि पियानो प्ले करने में कौन सा हेल्प कर रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहा है ना, तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, उसके बाद सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम एंड देन सेरिब्रम। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिर्फ मूवमेंट कंट्रोल में कौन सी चीज हेल्प कर रही है, तो वो आपकी सेरिब्रम ही है, ठीक है, सेरिब्रम, देन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स एंड देन सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो फाइन मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, सेरिबेलम ऑप्शन में नहीं है तो फिर सेरिब्रम एंड देन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। अगर वो एग्जीक्यूशन का पूछ रहा है कि फाइन मूवमेंट्स की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, जैसे कि पियानो प्ले करने में, तो पहली चॉइस हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होगी, फिर सेरिबेलम और फिर सेरिब्रम, ठीक हो गया। और अगर वो जस्ट मूवमेंट्स का पूछ रहा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास पहली चॉइस जो है ना कंट्रोल ऑफ मूवमेंट जो है ना वो सेरिब्रम एंड देन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, ये याद रखना आपने। कार्डियक मसल्स कैन नॉट बी टेटनाइज्ड बिकॉज ऑफ शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड, लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड और गैप जंक्शंस। अब देखें, सबसे पहले तो आपको टेटनाइज्ड का मतलब पता होना चाहिए। टेटनाइज्ड का मतलब है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, पक्की पक्की कॉन्ट्रैक्शन में चला जाना। अब कार्डियक मसल क्यों पक्की पक्की कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाता, वो इस वजह से नहीं जाता कि इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो अगर एक बार जनरेट हो जाता है तो उसके बाद एक स्पेसिफिक पीरियड है जिसमें उसका दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। इस स्पेसिफिक पीरियड को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अगर तो देखें, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड छोटा सा होता और एक एक्शन पोटेंशियल के बाद फौरन से दूसरा एक्शन पोटेंशियल आ जाता, फिर तीसरा आ जाता, फिर चौथा आ जाता, तो कार्डियक मसल तो कॉन्ट्रैक्शन में ही रहता और थक जाता, ठीक है। इस वजह से
अल्लाह ताला ने कार्डियक मसल ऐसा बनाया है कि उसमें एक एक्शन पोटेंशियल आने के बाद एक मखसूस वक्फा होता है, उस वक्फे के बाद दूसरा एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है। इस वजह से कार्डियक मसल पक्की पक्की कॉन्ट्रेक्शन में नहीं जाता। सो लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड विच इज़ द पीरियड इन विच द अदर एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी जनरेटेड इज द रीजन क्योंकि कार्डियक मसल टेटनी में नहीं जा रहा। रिवर ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय ट्रैकोमा, ट्रैकोमेटिस और ऑंकोसर्कियासिस। अब रिवर ब्लाइंडनेस है क्या? रिवर ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन है जो लोग कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग स्ट्रीम्स और रेन फॉरेस्ट के पास रहते हैं, वहाँ पर एक फ्लाई है बाय द नेम ऑफ ब्लैक फ्लाई। वो ब्लैक फ्लाई एक ऑर्गेनिज्म है ऑंकोसर्कियासिस वॉल्वुला, ठीक है। वो जिस ब्लैक फ्लाई जिस इंसान को काट लेती है ये ऑर्गेनिज्म उसमें ट्रांसफर हो जाता है। अब ये ऑर्गेनिज्म स्किन और आइज को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये फ्लाई उस कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग स्ट्रीम्स और रिवर्स के पास ज़्यादा पाई जाती है, तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको ये ज़्यादा काटती है, इसी वजह से इसको हम रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं एंड इट इज़ कॉज बाय ऑंकोसर्कियासिस, ठीक है। लोआ लोआ जो है ना, एक इसको लोआ लोआ भी कहते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, अफ्रीकन देसी जुबान में लोआ लोआ। माइक्रोफिलेरिया, यही माइक्रोफिलेरिया की एक और किस्म है जो कि लिम्फेडिनोपैथी वगैरह कराती है और एलिफेंटियासिस वगैरह कराती है, ठीक है। तो रिवर ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय ऑंकोसर्कियासिस और ब्लैक फ्लाई जो है वो ट्रांसमीटर है। नाउ डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज इज ड्यू टू ऑर्गेनिक डस्ट, सिलिका डस्ट, इनऑर्गेनिक डस्ट और ग्रेन डस्ट। अब देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना कि ऑर्गेनिक डस्ट क्या है, इनऑर्गेनिक डस्ट क्या है। ऑर्गेनिक डस्ट तो वो है जो कि आपके वेजिटेबल्स और प्लांट्स वगैरह से आ रही है डस्ट। इनऑर्गेनिक डस्ट क्या है कि वो मिनरल्स वगैरह और जो भी नॉन ऑर्गेनिक सोर्स से आ रही है, जैसे कि सिलिका, एस्बेस्टोसिस और आयरन के जो हैं पार्टिकल्स, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम द वेजिटेबल और एनिमल सोर्सेज हैं दैट आर इनऑर्गेनिक। अब सिलिका भी डस्ट भी देखी जाए तो बेसिकली वो इनऑर्गेनिक डस्ट है, और ग्रेन डस्ट जो है वो देखी जाए तो ऑर्गेनिक डस्ट है। तो ये पैथोमा में मैंशनड है कि इनऑर्गेनिक डस्ट इज द कॉज ऑफ डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, ठीक है। तो अगर इनऑर्गेनिक डस्ट हमारे पास ऑप्शन में नहीं होगा तो नेक्स्ट ऑप्शन सिलिका डस्ट है, बिकॉज सिलिका डस्ट जो है वो है तो इनऑर्गेनिक डस्ट ही, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक डस्ट एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, एक जनरलाइज्ड कैटेगरी है जिसमें सिलिका, एस्बेस्टोसिस वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज इज ड्यू टू इनऑर्गेनिक डस्ट। ग्रोथ फैक्टर्स एट सेल ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट्स बाय वर्किंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स के ना, जिस तरह टायरोसिन काइनेज पाथवे होता है और ये सेल मेम्ब्रेन पे होता है, इसी तरह इंसुलिन का भी यही पाथवे है, सेल मेम्ब्रेन से एक्ट करती है, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर्स जितने भी हैं ना वो सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेकेंडली वो जाके न्यूक्लियस पे एक्ट करते हैं, तो सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन होगा ना वो न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन जो कि हमने चूज करना है, एंड सेकेंड इज